नमस्कार, रचनामेरुत्रा.com में आपका स्वागत है। आज हम साबुदाने के कटलेट्स बनाएंगे। हम देखेंगे साबुदाने के कटलेट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। आधा कप साबुदाना, साबुदाना हमने 3 घंटे पहले आधा कप पानी में भिगोकर रख दिया था। 6 बॉयल्ड आलू, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, 1/4 चम्मच से कम जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक घिसा हुआ, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ 1/2 कप हरा धनिया, कटलेट फ्राई करने के लिए ऑयल। आइए साबुदाने के कटलेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू को मैश कर लेते हैं। आलू मैश हो गया है, मसाले मिला देते हैं। लाल मिर्च पाउडर, अदरक, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हरी धनिया, आप यदि धनिया खाते हैं तो धनिया मिला लीजिए और यदि पुदीना खाते हैं तो आप व्रत में पुदीना मिला सकते हैं। अब सारा साबुदाना इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। आइए गैस ऑन करते हैं और तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक कटलेट्स बना लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर 1 छोटे नींबू के बराबर पेस्ट लेके गोल हाथ से घुमाकर टिक्की की शेप देंगे। और इसी तरीके से सारी टिक्की बना लेंगे। ऑयल गरम हो गया है और कटलेट भी बन गए हैं। अब कटलेट को फ्राई करना शुरू करते हैं। कटलेट को पलटकर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। कटलेट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से सारे कटलेट फ्राई कर लेंगे। साबुदाने के कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव रचनामेरुत्रा.com पर शेयर करिए। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ रचनामेरुत्रा.com पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।